और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता की सराहनीय पहल सामने आई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। वाहन चालकों और महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। वर्दी न पहनने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है जो कि निरीक्षण करेंगे कि क्या कर्मचारी वर्दी पहन रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जो कि और इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, इस मामले को लेकर जिस तरीके से ये पहल की गई है कि अब ड्यूटी के दौरान आपको पहनना होगा वर्दी, इसको लेकर महेश जी भी हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव महेश जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका महेश जी। थैंक यू जी। अरविंद जी, आप सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी आवाज अरविंद जी तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? की बात सुन पा रहा हूं। जी महेश जी, ये बड़ी पहल आपके द्वारा की गई है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। किस तरीके से इसे सुनिश्चित किया जाएगा और इसके पीछे आप क्या उद्देश्य आपका है इस पहल के पीछे? देखिए, सभी ऑफिस में, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे ड्राइवर हो या सुरक्षा कर्मचारी हो, लोगों को वर्दियां दी जाती हैं जी, और इनकी पहचान इसी वर्दी से ही होती है। पीछे काफी समय से देखा जा रहा है कि इन लोगों ने अपनी वर्दी पहननी बंद कर दी है, जबकि इनको नियमित रूप से सरकार द्वारा वर्दी उपलब्ध कराई जाती है। मंशा यह है कि इनको अनिवार्य रूप से अपनी वर्दी पहननी चाहिए और इनकी जो एक पहचान है, जो चीज दूर से एक विजिबिलिटी बनती है, उसी से इनका इम्पैक्ट आता है और सरकार इसीलिए इनको अलग से वर्दी देती है, वर्दी का धुलाई भत्ता भी देती है जी। तो ये अनिवार्य रूप से पहनते नहीं है, ये कैजुअल ड्रेस पर टहलते रहते हैं, इनको दिखाई नहीं देती, इसलिए ये सुनिश्चित कराना है कि ये पहने और विजिबिलिटी बनी रहे और जो सरकार की जो इस नियम के तहत मंशा है, इस व्यवस्था के तहत, उसकी पूर्ति हो जी। महेश जी, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी भी हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अरविंद जी, आप सवाल कीजिए महेश जी से। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पूरे मतलब पूरे सचिवालय में ये लागू होगा या किस कहां कहां ये लागू किया जाएगा, जरा विस्तार से अगर बता सके तो बताएं। हम लोगों ने सचिवालय में जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सभी के लिए ये चीज कही गई है। उसके अलावा भी सभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि सचिवालय के अलावा भी जितनी हेड ऑफिस के भी लोग हैं, एसओडी ऑफिस के लोग हैं, उनके यहाँ भी सुनिश्चित कराया जाए कि इस तरह की वर्दी जिनको सरकारी दी जाती है वो अनिवार्य रूप से वर्दी पहने। सर, ये बताइए कि अगर इस तरह का जो नियम बनाया है आपके मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, अगर इस तरह के आदेश का पालन नहीं होता तो किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाएगी या किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये एक सरकारी निर्देश है और सरकारी निर्देशों की अवहेलना करना कर्मचारी की जो आचरण नियमावली है उसका उल्लंघन माना जाता है और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सर, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का जो आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जो पहल की गई है आपकी तरफ से, जो पहल हो रही है ये, तो इसमें आने वाले समय में अगर इस आदेश का पालन अगर नहीं होगा तो कार्रवाई के लिए भी लोग तैयार रहे। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर वर्दी जो है सभी लोग पहनना सुनिश्चित करें। इंडिया न्यूज से आपने बात की सर, थैंक यू जी। शुक्रिया अरविंद जी तमाम बातचीत के लिए। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे थे अपर मुख्य सचिव महेश जी, खुद जुड़े हुए थे। उन्होंने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को यह भरोसा दिया है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से यह पहल की जा रही है, इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वर्दी जरूर पहने। अगर कर्मचारी वर्दी नहीं पहनते हैं तो उन पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी।